ऐसा क्या हो गया भाई कि शिबा कॉइन अचानक से 1.33% का पंप कर गया? किसको फॉलो कर रहा है शिबा इनू कॉइन? और शिबा के ऊपर आते ही बाकी मीम कॉइन नीचे क्यों चले गए? बाकी मीम कॉइन की सीटी बीटी गुल क्यों हो गई? ऐसा क्या हो गया? तो अपने भैया इसमें बात करने वाले इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे क्यों है शिबा का प्राइस ऊपर आया और बाकी कॉइन नीचे क्यों चले गए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे पहले मीम कॉइन, दूसरों की बात की जाए जैसे कि बेबी डोज कॉइन, आज इसकी बड़ी अनाउंसमेंट होनी थी, बड़ी बर्निंग को लेकर अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन हुआ क्या? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 24 आवर्स गुजर चुके हैं, जो इन्होंने ट्वीट किया था कि 24 आवर्स के बाद जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला, और यहाँ क्या बड़ा हुआ है? 2.5% के आसपास डाउनफॉल, लगभग सीरीज भी 2.9 की आ चुकी है, कहीं ना कहीं डाउन गया ये भी। और बाकी मीम कॉइन जैसे कि फलोकी की बात की जाए तो यहाँ भी 3% के आसपास डाउनफॉल। प्रॉब्लम कहाँ है? मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट करेक्शन के अंदर है। लेकिन अभी अभी शिबा की बात की जाए तो शिबा के अंदर एक जान आ चुकी है, लगभग 1.27% ऊपर है, 9.5 की सीरीज होल्ड कर चुका है शिबा इनू कॉइन, और वहीं पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अप आ चुकी है 0.76%। बात की जाए ग्राफ की तो ग्राफ का पैटर्न आप अच्छे से देख लीजिएगा कि ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है आपको। अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि क्यों किसको ये फॉलो कर रहा है, आप सबको वैसे तो पता ही है कि शिबा इनू कॉइन क्यों बनाया गया है। शिबा इनू कॉइन, आपको जिसको नहीं पता वो दोबारा बता देता हूँ, डोज कॉइन को फॉलो करता है, और शिबा इनू कॉइन का दूसरा नाम डोज कॉइन किलर के नाम से जाना जाता है शिबा इनू कॉइन, और उसी मीम कॉइन को ये फॉलो भी करता है। तो अभी अभी क्या हुआ, डोज कॉइन के अंदर प्राइज एकदम से 5% पंप हुआ, और आपने पैटर्न याद रखा होगा शिबा इनू कॉइन का, जो ग्राफ का पैटर्न था। नहीं याद रखा तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, शिबा इनू कॉइन का जो पैटर्न है ग्राफ का वो लगभग सेम देख सकते हो आप, दिखाई दे दिया। अभी अपने बात करेंगे डोज कॉइन की, तो यहाँ भी पैटर्न बिल्कुल सेम बन रहा है, मतलब डोज कॉइन को पूरे प्रॉपर तरीके से शिबा इनू कॉइन फॉलो करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोज कॉइन भी एकदम से पंप हुआ, लगभग 5% बढ़ चुका है। इसके पीछे अभी तक कोई न्यूज़ निकल के सामने नहीं है, लेकिन न्यूज़ निकलने की ज़रूरत नहीं है। एलन मस्क ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, कोई एक दो हॉर्स के अंदर अंदर पता चल जाएगा, जैसे ही पता चलेगा अपने अपडेट आपको दे देंगे। तो डोज कॉइन जैसे ही पंप हुआ दोस्तों, शिबा इनू कॉइन के अंदर भी जान आ गई, और शिबा इनू कॉइन भी पैटर्न सेम पैटर्न पे वर्क करता हुआ यहाँ पे नज़र आया। तो ये तो थी टेक्निकली रीजन कि शिबा इनू कॉइन ऊपर क्यों आया। अब चलते हैं ट्विटर पे क्या अनाउंसमेंट है वो भी फटाफट जान लीजिए, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है अपने को। 24 आवर्स के अंदर जो बर्निंग हुई है, 3,20,26,199 कॉइन चला दिए गए हैं, डेड वॉलेट के अंदर भेज दिए गए हैं। ट्रेंडिंग में चल रहा है शिबा इनू कॉइन, लगभग 24.1K ट्वीट यहाँ पे रीट्वीट हो चुके हैं, और लगभग आपको बता दिया जाए तो जो ERC-20 रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है शिबा इनू कॉइन, इसमें अभी भी पहले नंबर पे ही दिखाई दे रहा है, जो कि हमेशा रहता ही पहले नंबर पे है। और मैसिव जो बर्न हुए हैं, 1.52 बिलियन शिबा इनू कॉइन यहाँ पे बर्न कर दिए गए हैं। तो ये तो थी शिबा की अपडेट, और दोस्तों कोई भी न्यूज अपडेट निकल के आएगी, जैसे डोज कॉइन की, एलन मस्क की कोई अपडेट निकल के आती है तो फटाफट मैं अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।